हर रोज़ मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना डाइट और वर्कआउट फॉलो करता हूँ, पर जैसे ही रात होती है मेरे अंदर एक भूत जाग उठता है जो मेरे कानों में आके कुछ ऐसी विचित्र आवाज़ें निकालता है। मैगी खा ले, बिस्किट बिस्किट खा ले, अरे फ्रिज में आइसक्रीम है। क्या होता है, डाइट वाइट कुछ नहीं है भाई, जब बिस्किट चॉकलेट बिस्किट डाइट वाइट खा ले भाई, चॉकलेट फ्रिज में। और इन आवाज़ों को सुन के मैं एकदम पागलों की तरह खाना ढूंढने लग जाता हूँ। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा, और जब कुछ ऐसा होता है तो दिमाग में डाइटिंग और फिटनेस ये सब नहीं घूमता, लगता है जो मिले जैसे मिले उठा के खा लूँ, बस इतनी भूख लगती है। और इसलिए आ चुके हम लोग रात को 3 बजे किचन में, लाइटिंग ठीक है। सो गाइस वेलकम टू माई घर का किचन, ये बैंगलोर का नहीं मेरे होम टाउन का किचन है घर का, और अब देखते हैं कि खाने में क्या है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो मिक्सर, सेव, फिर मिक्सर, फिर ये छुंदा। छुंदा इज बेसिकली कैसे समझाऊँ, कुछ मिठाई मतलब कुछ अचार जैसा होता है विच इज़ वेरी मीठा। अब अगर आपके घर पे ये सब रखा हो और आप फैट लॉस कर रहे हो तो कहाँ से आदमी फैट लॉस करेगा। ये पूरे दिन मेरे को घर पे नहीं दिखता है, अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये मेरे को मेरी बीटीज का पैकेट दिख रहा है, और डेफिनेटली हम लोग ये थोड़ी खाएंगे, हम लोग फिटनेस वाले लोग हैं, हम लोग ये थोड़ी खा सकते हैं, इतनी कैलोरीज वाली चीज़ रात को थोड़ी खाएंगे, तो हम लोग इसको बंद करके रख देंगे। A few moments later. यार दूसरी बात मेरे को समझ में नहीं आती कि इतने डब्बे क्यों होते हैं घर पे ट्रेडिशनली। मतलब अगर आदमी को भूख लगी या कुछ खाना बनाने लगे तो 20 मिनट तो उसको डब्बा खोजने में लग जाएगी किसमें क्या है, और मेरी दादी को सब याद है कि कौन से डब्बे में क्या है, जबकि सब सिमिलर दिखते हैं, फिर भी वो उधर से देख के बता देगी उसमें क्या है क्या है। ये देखो, मतलब मुझे लग रहा है कोई जान मुझ कैसा रख देता है यहाँ पे, रात में खोले और ये खा ले। सो यूजुअली जब ऐसा होता है और जब मैं कोई कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में होता हूँ कि मेरे को बस इतनी। ओके ओके ओके, सो रुकावट के लिए खेद है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैंने एंड के लास्ट 3 या 4 मिनट्स में बताया है आपको कि ये लेट नाइट क्रेविंग्स का सॉल्यूशन क्या है, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अ रियली रियली ईजी एंड प्रैक्टिकल थिंग। सो डोंट मिस द एंड, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर एंड आई अश्योर यू कि आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। कैलरीज खानी या करनी है, मैं एक छोटा सा मील बना लेता हूँ, और वो क्या होता है वो मील में वो आपको बताता हूँ, पहले लाइट वाइट बंद कर देते हैं। सो गाइस स्वागत है आप सबका कुश किचन में, जो कि फ्रिज के ऊपर सामान रख दो तो किचन हो गया, बट हाँ हम लोग एक छोटा सा सैंडविच बनाएंगे वेजीज वाला, पेट भर जाएगा उसमें, अभी ज़्यादा मेरे को खाना भी नहीं है। सो क्या करना है आपको, 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस लेने हैं, और थोड़ा सा क्यूकम्बर और कैप्सिकम यूज़ करना है इस पर। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, और उसको छोड़ के मैं ये क्यूकम्बर डाल रहा हूँ इसमें। तो अब मेरे को ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, बिकॉज ग्रिल करूँगा तो पक तो जाएगा ही। ये जो वेजी सैंडविच है ये मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ, और बहुत लो है कैलोरीज में, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर और सब्जियां डाल सकते हो, और हाँ जितनी ज़्यादा वेजीज डालोगे आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, और इट इज़ वेरी लो इन कैलोरीज, मुश्किल से 250 कैलोरी, और आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। और डेफिनेटली जब आप कुछ खा रहे हो तो पीने का भी मन करेगा ही, रात में मन ललच जाता है। तो आपको मैं एक छोटी सी कॉफ़ी की रेसिपी बता रहा हूँ, बहुत लो रहेगी कैलोरीज में, बट कोल्ड कॉफ़ी है, मज़ा आ जाएगा पीने का, ट्राई करना। सो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक ब्लेंडर। ब्लेंडर में क्या चाहिए आपको, 200 ml का दूध, तो दूध डाल देंगे, थोड़ा तो मलाई चली गई है तो वापस हम लोग मलाई इसमें डाल देंगे, और फिर सिर्फ दूध डालेंगे फूक फूक के। इसके बाद आप डालोगे कॉफ़ी, डेफिनेटली कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो तो कॉफ़ी डालोगे ही ना। अब आप डालोगे शुगर फ्री, तो शुगर फ्री कहाँ है, शुगर फ्री कहाँ है, ट्रांजिशन से इसको बुलाते हैं,
शुगर फ्री। ये पुराने ब्लॉग का ट्रांजिशन चल गया लगता है, फिर से ट्राई करते हैं। हाँ आ गया शुगर फ्री। तो शुगर फ्री यूज़ करेंगे बिकॉज शुगर की कैलोरीज बच जाएगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको डालनी है वो है पानी। सो गाइस पानी ऐड कर दिया मैंने, इसके ऊपर डाल देंगे 2 क्यूब ऑफ बर्फ। और सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं ब्लेंडर चलाऊंगा और रात में बज रहे हैं 3:30, मम्मी उठ गई तो कल वापस गाली खाएंगे। बट एक बार रिस्क लेंगे और फट से चालू करके ऑफ़ कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो एकदम नीचे से ऐसे करेंगे ताकि आवाज़ ना आए और तुरंत से चालू करके बंद कर देंगे। सुबह इतना मिक्सर आवाज़ नहीं करता है, रात में ही करता है, पता नहीं कहे। तो गाइस अगर सैंडविच को देखें तो ये अच्छे से पक गया है, गरम है। मैं 3 सेकंड्स रूल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो सैंडविच भी बन गया है और कॉफ़ी भी बन गया है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बढ़िया 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 बना। सो गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी मैंने खाना बनाया वो सच में अच्छा है, बिकॉज ऑफ 2 प्रोमिनेंट रीज़न। पहला, क्योंकि मैंने बनाया है तो अच्छा ही होगा, और दूसरा सच में अच्छा है, बना के देखो, एकदम ईजी है, लो कैलोरी है और 250 कैलोरी के अंदर सब कुछ है। बट अब करते हैं पते की बात। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये जो इशू है, जो मिडनाइट क्रेविंग का इशू है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करें। और डेफिनेटली ये मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हो और एक बड़ा क्वेश्चन आप क्रिएट करते हो तो आप शुरू में कोई आंसर नहीं दोगे। दैट्स हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। आपको ड्रैग करके वो चीज़ को एंड में ले जाना है, जैसे मैंने किया है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 जो है वो है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना है। नाउ व्हाट आई मीन टू से दिस इज़ कि अगर आपका टाइमिंग ऐसा है जब आपको 12 बजे के बाद जगह रहना पड़ता है ड्यू टू योर वर्क कमिटमेंट या ऐसे ही मतलब जगह रहते हो, तो यू हैव टू स्किप योर ब्रेकफास्ट। हैव टू नहीं है, बट यू कैन स्किप योर ब्रेकफास्ट, बिकॉज जो आप ब्रेकफास्ट में कैलोरीज खाते हो वो आप रात में खा सकते हो, बिकॉज ब्रेकफास्ट में आप बहुत ज़्यादा भूखे नहीं रहोगे। सो वो कैलोरीज को सेव करो और मिडनाइट आप खा सकते हो। सॉल्यूशन नंबर टू यही है कि आप जल्दी सो जाओ। नॉट इवन किडिंग गाइस, हाफ ऑफ द पीपल, जो लोग बहुत रात को जगते हैं, दे आर नॉट हैविंग वर्क कमिटमेंट, वो लोग कैजुअली बस मूवीज़ देखते हैं, ये करते हैं, दैट बिकम्स अ हैबिट। सो आप अपनी पूरे दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट जब ख़त्म कर देते हो और फिर जब आप टाइम पास कर रहे हो रात में बैठ के और आपके पास कोई काम नहीं है, आप कोई कमिटेड नहीं हो काम से, तो डेफिनेटली यू विल ईट मोर, बिकॉज योर बॉडी ऑलवेज डिमांड्स एनर्जी। और जब आप सुबह तक काम करते रहते हो या आपके पास कोई काम रहता है तो योर माइंड इज़ डेफिनेटली बिजी इन समथिंग और एल्स, तो वो खाने की तरफ नहीं जाएगा। बट रात में जब आप खाली बैठ के मूवी देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा भी खाना खाओगे तो आपको बार बार भूख लगती रहेगी। एंड स्पेशली दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड कि रात में 2 बजे के बाद और 12 बजे के बाद आपका सेल्फ कंट्रोल एकदम डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि बस जो मिले जैसे मिले करो, एंड दिस हैपन्स विद मी ऑल्सो, दिस इज़ नॉट अ थिंग ऑफ शेम। आपका बस माइंडसेट ऐसा चला जाता है कि अब मैंने पूरे दिन अच्छे से काम किया है, अब मेरे को पूरा अच्छा खाना खाना है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, मैं कल से डाइटिंग करूँगा, एंड दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ इट। सो अगर आपका वर्क डिमांडिंग नहीं है एंड यू डोंट हैव टू बी अवेक फॉर समथिंग, बेटर गो टू स्लीप। आप सोओगे, आप कैलोरी सेव करोगे, आप रूटीन में आएगा, एंड अल्टीमेटली इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग। यू नो आई एम अवेक एट नाइट, मेरे को पता है मेरी भी इशू है, बट सम हाउ आई एम एबल टू मैनेज कैलरीज, दिस इज़ नॉट विद मोस्ट ऑफ यू। सो जस्ट बी स्मार्ट एंड गो टू स्लीप। थोड़ा टाइम लगेगा वो डिसिप्लिन क्रिएट करने में, बट अल्टीमेटली यू विल थैंक मी, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। सॉल्यूशन नंबर थ्री इसका ये है कि हम लोग अगर चलो जगना ही हम लोग को रात में, ठीक है, और हम लोग का वर्क अगर ऐसा है जिसमें हम लोग को जगना पड़ेगा, देन डिज़ाइन और थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू ईट। सिंपल थिंग, अगर आपको रात में 12 बजे के बाद जगना है, आपको पता है कि आज जगना है, मेरे को मूवी ही देखनी है, चलो ठीक है, या मेरे को जॉब के लिए ही जगना है, देन प्लान योर मील्स इन एडवांस। अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ किया कि मैं नीचे गया, फ्रिज में देखा ये सामान वो सामान क्या खाना है, बट अल्टीमेटली मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मैं 250 कैलोरी के अंदर ही खाऊंगा। सो आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव क्वाइट अ बिट आइडिया अबाउट कैसे कैलोरीज मैनेज करना है, ठीक है। जब आप भूखे रहोगे तो आपके सामने दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, यू विल गो एंड ईट व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू सी। एंड मोस्ट ऑफ द घर अगर हम लोग देखें, अगर आप भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखो तो मेरे को भुजिया और सेव ये सब के ऑप्शन मिले थे। आपके पास एक डेयरी मिल्क हो सकता है, आपके पास आइसक्रीम हो सकता है फ्रिज में, नो मैटर वॉट, 90% ऑफ द चांसेस यही है कि आपके पास कोई एक अनहेल्दी चीज़ रखी रहेगी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। अनहेल्दी की बात नहीं है, बट डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो जस्ट प्लान योर मील
कि अच्छा अगर मेरे को जगना पड़ता है मैं ये खा लूँगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर यहाँ पे भी नहीं पहुँचे तो एटलीस्ट यू विल बी बैलेंस कि ठीक है मैंने जगा, मैंने खाया है, बट मेरा फिर भी खाना जो है वो लो कैलोरीज में आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। कॉफ़ी तो बढ़िया है, बट एनी वे गाइज आई मीन दीज आर द थ्री प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विच यू कैन फॉलो अगर आपको रात में जगने की प्रॉब्लम है या रात में आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो। प्रैक्टिकली देखो यही तीन सॉल्यूशन है बिकॉज मैंने भी खुद पे ट्राई किए हैं। YouTube में सर्च करोगे, इधर उधर सर्च करोगे, आपको और हज़ार सॉल्यूशन मिलेंगे विच माइट नॉट वर्क फॉर यू, एंड देर आर डिफरेंट थिंग्स जो मेरे लिए काम की है जो आपके लिए काम करेगी, बट अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकली दो ही सॉल्यूशन है। अगर आपका वर्क डिमांड नहीं करता आपको जगने के लिए, बेटर है गो टू स्लीप। प्रॉबेबली वीकेंड में जब आप मूवीज़ देख रहे हो या अपने फैमिली के साथ बैठ के कुछ काम कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि ये डेली बेसिस में मेरे साथ हो रहा है जहाँ पे मैं रात में कुछ भी खा ले रहा हूँ और पूरा दिन मेरा रिग्रेट में निकल रहा है और मेरी फिटनेस जर्नी अफेक्ट हो रही है, प्लान योर मील्स इन एडवांस। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आया या अगर आपको हेल्प हुई इससे। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी मोर फ्रीक्वेंट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रेजेंट द फिटनेस थिंग इन अ बेटर एंड अ क्रिएटिव मैनर। सो आई होप आपको पसंद आया, कमेंट छोड़ के जाना, इट विल मीन अ लॉट टू मी, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much guys for watching.